हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक दिन पहले का है। चटनी के साथ मैं बनाई थी, मगर लंबा हो जाने के कारण मैं इसमें डाल दी, इसको साथ में नहीं डाली। देखिए, इसको मैं धुल के और थोड़ा बहुत इधर उधर कट करके छोटा करके पीस लहसुन मिर्चा डाल के पेस्ट बना ली हूँ। बनाने के बाद ये मैं ले ली हूँ 2 कटोरी आटा। इसमें अजवाइन डाली हूँ, नमक और तेल, और उसी में मैं इसको जो पीसी हूँ पेस्ट, इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाती रहूँगी। मिला के पूरा अच्छे से सान लूँगी। डो टाइट नहीं होना, ना टाइट रहे ना ढीला रहे, ठीक रहे। यदि ज़रूरत पड़े तो पानी ले लीजिए, मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, उतने में ही परफेक्ट हो गया। इसको सानने के बाद 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दीजिए, तो पूड़ी बहुत अच्छी फूलती है। मैं तो आधा घंटे के लिए छोड़ दी थी, इधर हो रहा था तब तक मैं अपना और काम कर रही थी। सो फ्रेंड्स, हो गया है, देखिए हो गया मेरा, आधा घंटा हो गया इसे सान के रखे हुए। अब इसको मैं बेल लेती हूँ। इसे मैं बेल ले रही हूँ, ना पतला रहे ना मोटा रहे, मतलब दिखाएंगे, देख लीजिएगा। इस तरीके से बेलिए, बेल के इसको सारा मैं रख लूँगी, तब उसके बाद छानूंगी। यदि फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए प्लीज़, और नए जो भी हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लाइक करना मत भूला करिए आप लोग। इसको देखिए, तेल लाल हो गया है, उसके बाद मैं डाल के चेक कर ली हूँ कि तेल लाल हो गया है कि नहीं। उसके बाद मैं पूड़ी डाली हूँ। यदि आप लोगों को फ्रेंड्स यदि और कुरकुरा खाना हो तो इसमें आप सूजी डाल के सान सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पूड़ी होती है। वैसे तो यदि बनाएंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे कि इसमें ये पड़ा है, मेथी पड़ा है या पालक पड़ा है। यदि ऐसे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी भी लगेगा, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सभी पूड़ियाँ फूल रही हैं। इसी तरह आटा कोई भी सानिए आप, उसको आधा घंटा 15 मिनट पर ज़रूर रेस्ट पर रखिए, तब उसके बाद आप बनाइए, पूड़ी हो या पराठा हो, तो बहुत बढ़िया बनता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक आग पूड़ी ऐसा हुआ था जो नहीं फूला था, मुश्किल एक आग पूड़ी, नहीं तो सारी पूड़ियाँ मेरी अच्छे से फूल गई थी। तो फ्रेंड्स, तैयार हो गया है, ले लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए चटनी के साथ पूड़ी। यही तो मैं बनाई थी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर आगे के ब्लॉग में बने रहिए। पूजा पाठ मेरा हो गया है, आज है गणेश चतुर्थी, माघ का हिंदी महीने का, जो जानते होंगे वो समझ जाएंगे। तो फिर आगे के ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं किचन की तरफ। ये रहा नलिन, इसकी पढ़ने की स्टाइल है ये। ये है नलून सगुन, हाय करो सगुन, सगुन फेस वॉश कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे तहरी, क्योंकि मेरा फास्ट है और पापा तो है नहीं इनके, तो फिर इन लोग से पूछे भी कि क्या बनाएं, निमोना चावल बनाएं या फिर तहरी बनाएं या फिर दाल चावल सब्जी रोटी पूरा बना दे, तो इन लोग की मर्जी है कि मम्मी तहरी बना दो। तो हम कहे चलो बना देते हैं, सुबह में पराठा चटनी किए थे। चलिए तो फिर बने रहिए आगे के ब्लॉग में। ये तारी के लिए मैं इतना ये आलू, धनिया, मटर, प्याज, टमाटर, ये चावल है भिगो के रखी हूँ। 2 कटोरी चावल है, इसको मैं भिगो के रख दी हूँ। और ये रखी हूँ गैस पे तेल, अब चल रही हूँ बनाने। इसमें मैं मिर्चा और लहसुन का पेस्ट है, अदरक का, इसी को मैं डालूँगी, खड़ा नहीं डालूँगी। खड़ा डालूँगी तो ये लोग तुरंत निकाल के उसमें से लगेंगे फेंकने। जब डाल दे रही हूँ जीरा है, वो जो पेस्ट पीसी थी उसको मैं डाल दे रही हूँ। प्याज, प्याज लाल हो जाने पर थोड़ा ही लाल करेंगे, उसके बाद आलू डाल देंगे।
फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनता है। इसमें मटर डाल दे रही हूँ, इसके बाद में मसाला डाल दूँगी, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, इसके बाद राजेश मसाला डाली हूँ। डालने के बाद सभी को मैं अच्छे से भून दूँगी। उसके बाद टमाटर डाल दे रही हूँ 5 मिनट के लिए। चावल भी मैं इसी में भून दूँगी। भूनने के बाद फ्रेंड्स चला के उसमें 2 कटोरी है तो मैं इसमें 2.5 कटोरी पानी डाली हूँ। ये जो मिक्सर में पीसी थी मिर्चा लहसुन उसी को धुल के इसमें डाल रही हूँ। नमक अपने स्वाद के अनुसार देखिए डाल दी हूँ। बहुत जल्दी होता है और सभी टेस्ट अच्छे से मिल जाते हैं सब्जी का भी, और बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। इन्हीं लोग को खाना था, इन्हीं लोग की मर्जी थी तो फिर मैं बना दी। देखिए फ्रेंड्स हो गया। गाइज आप देख सकते हैं मम्मी ने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया हुआ है, आप भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो यहीं पे करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। इसका बाय करना बहुत जरूरी था भाई। देखिए हो गया है तैयार, बच्चे खा रहे हैं। अभी तक नहीं डाले होते ना तो ये सहन नहीं करती, खिला रही होती। अरे धनिया तुम लोग इतना वो कर रहे हो, देखो बिस्तर पे गिरे ना, नहीं तुम्हारी मस्ती की वजह से खाना इधर उधर गिर जाता है। और मम्मी इतने प्यार से इसलिए बोल रही है, हमसे रिकॉर्ड कर रही है, अभी देखना क्या बोलेंगी।